नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। बालाघाट जिला मुख्यालय से लगे ग्राम भरवेली थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांगुलपरा की घाटी में एक युवक की अधजली लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहीं सूचना पाते ही भरवेली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला चिकित्सालय भिजवा दिया है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक मृतक सागर पटेल पिता सुरेश पटेल उम्र 33 वर्ष जो कि लालबर्रा के पाल कामथी का निवासी है। बताया जा रहा है कि सागर बेल्डिंग वर्क का काम करता था और 23 वर्ष को अपने व्यवसाय के कार्य से घर वालों को बेहर जाने का बोलकर अपनी पल्सर बाइक से निकला था। फिलहाल मामले में पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और पुलिस द्वारा आगे इस मामले की जाँच की जा रही है। हम जानते हैं गांगुलपारा से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर घाट में किनारे एक सूचना मिली थी हमें। ये सागर पटले उम्र लगभग 33 वर्ष ये उनकी लाश प्रतीत होती है। ये जली हुई अवस्था में मिली थी हमें और बाइक भी जली हुई अवस्था में मिली है जिसकी आगे FSL के अधिकारी पुलिस अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है। क्या लगता है सर प्रथम दृष्टया? देखिए प्रथम दृष्टया तो जलने से मृत्यु हुई लगती है जी। इसमें आगे विवेचना उपरांत ही कुछ कहा जा सकता है कंक्लूजन कि क्या हुआ है। क्या नाम है आपका? किशोर बघेल। कहाँ रहते हैं आप? कोच में। जो गांगुलपारा मंजारी घाटी में लाश मिली कौन लगते हैं आप? मेरे मामू के लड़के। कब निकले थे घर से? ये 23 तारीख को। क्या काम से निकले थे? बोले उनने कि वो मैं एक भैयर जाऊँगा घर में बताया और भैयर के लिए निकला था। कितने तारीख को निकले थे? 23 तारीख को। पहले वारासुनी गया, वारासुनी में कुछ देर रुका है, वहाँ भी काम चल रहा था शायद उसका। क्या काम चलता था इनका? क्या वेल्डिंग वर्क का था। भैयर भी इसी काम से करते हैं? भैयर भी उसी काम से। बालाघाट में भी काम चल रहा था, उसकी दुकान है कटन कनकी में। तो संपर्क कब से टूटा था उनका? संपर्क टूटा था रात के 9 बजे से। कौन सी तारीख से? 23 तारीख की। मतलब 23 को घर से निकले और 23 तारीख के ही रात 9 बजे उनके घर वालों से संपर्क टूट गया। तो इसकी सूचना पुलिस को कब दी गई? गुम सूचना 23 की रात में दे दी। कौन से थाने में? लालबर्रा थाने में। और उसके बाद में फिर आपने भैयर पुलिस के पास भी संपर्क किए तो वहाँ पे बताया, बोले ऐसी कोई इधर में कोई अपने एक्सीडेंट हुआ उसके चक्कर में हम लोग गए थे वहाँ पे। अच्छा। तो वहाँ बोले कि इधर ऐसी कोई सूचना तो अभी तक मिली नहीं है जी। फिर हमने गुम सुझा कि थाने में लालबर्रा थाने में FIR करवाया। तो आज किस कंडीशन में कहाँ पर उनकी जो है बॉडी मिली? गांगुलपारा घाट में। गांगुलपारा घाट में। क्या लगता है आपको किस कंडीशन में थी उनकी बॉडी? उनकी कंडीशन पहले ऊपर बाइक जलाया गया था और बॉडी को नीचे यानी वहाँ जहाँ बाइक के पास से 50 फीट नीचे चले फेंक दिया है जला करके। अच्छा, घाटी से? घाटी से। क्या लगता है बाइक कहाँ थी उनकी? बाइक कुछ ऊपर में थी और उससे 50 फीट नीचे बॉडी थी। बॉडी थी जी। तो इसमें क्या आशंका लग रही है? आशंका मेरे को तो लगता है कि आदमी किसी भी ने उसका मर्डर किया है। अच्छा। पुलिस क्या कह रही है संबंध? पुलिस तो अपनी कार्रवाई पुलिस करेगी। आपको लगता है कि वो रंजिश वर्ष जो इनकी हत्या की गई? हाँ, ये लग रहा है क्योंकि जलाया गया उसके लिए दिल में हमारे सोच ये बन गई। अच्छा, उनको जलाया भी गए? हाँ, पूरा जला दिए थे ना। कैसे जलाया? पेट्रोल डाल के जलाए। अच्छा, बाइक से पेट्रोल निकाल के डाल के? क्या ये नहीं मुझे मालूम। बाइक भी पूरी जल गई? बाइक लास्ट क्या पूरी जल चुकी थी कि आधी जली थी? मैंने कमर से ऊपर पूरी जल गई। अच्छा, चेहरा दिख रहा था? हाँ, चेहरा भी समझ नहीं आ रहा। चेहरा भी समझ नहीं आ रहा। आप लोगों ने शिनाख्त कैसे किए थे? नीचे फुल पेंट थे और बाइक थे। अच्छा, पल्सर बाइक थी जी जी। 150 अभी न्यू लाया था जी जी। 1.5 महीने की बाइक हुई थी उसकी। अच्छा अच्छा। और परिवार में कौन कौन है जो जिनकी मृत्यु हुई है? 2 भाई हैं, मम्मी पापा है, उनकी मिसेस है, उसके 2 बच्चे हैं। बच्चे एक है 10 साल की और एक है 5-6 साल की। क्या नाम है आपका? किशोर बघेल है। बालाघाट जिले से खबर समय जगत के लिए संजय अजीत की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।